मॉड्यूल सेवेंटी थ्री लेवल ऑफ रिसोर्स यूज एम वी पी इज इक्वल टू एम आई सी बेसिकली मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल इनपुट कॉस्ट की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हाउ मच इनपुट शुड बी यूज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट कि इनफैक्ट जब आप एक फार्मर के रेफरेंस में सारी डिस्कशन करोगे तो फार्मर को कितना इनपुट यूज करना चाहिए वो वो डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिनल इनपुट कॉस्ट की जब हम बात करते हैं मार्जिनल बेनिफिट्स की तो ये मार्जिनल बेनिफिट्स बेसिकली इंडिकेट करता है चेंज चेंज इन इन टोटल रेवेन्यू बिकॉज ऑफ इनपुट एंड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ इनपुट वहां पे कंडीशन क्या होल्ड करनी चाहिए कि मार्जिनल बेनिफिट्स शुड बी इक्वल टू मार्जिनल इनपुट कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट्स को हम ये भी कहते हैं दैट इज द मार्जिनल

ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट एंड वेज रेट अ फार्मर कैन डिसाइड हाउ मच इनपुट हाउ मच लेबर आवर्स इट शुड यूज टू मैक्माइज हिज प्रॉफिट अब अगेन एक हाइपोथेटिकल स्केजुअल जिसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन हम लोग पहले कंप्यूट कर चुके हैं वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट हमें मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट का भी पता है हमें वेज रेट का भी पता है कि वेज रेट किस चीज को डिनोट कर रहे रिपोर्ट्स मार्जिनल इनपुट कॉस्ट और जब हम मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट की बात करते हैं ये क्या है आर द मार्जिनल बेनिफिट्स और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट एंड वेज रेट इसको हम क्या कहेंगे जब हम कंबिनेशन ए के रेफरेंस में बात करेंगे देन मार्जिनल नेट बेनिफिट्स क्या हैं कि 4.5 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करूं 5 क्या है इज द वेज रेट तो मेरे पास मार्जिनल नेट बेनिफिट्स आएंगे point, जब मैं बी कम्बिनेशन के पॉइंट पे जाऊंगा देन मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट नाइन वाइल द वेज रेट क्या है अगेन इट इज इक्वल टू फाइव इस केस में मार्जिनल नेट बेनिफिट्स क्या है इट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट फाइव मार्जिनल नेट बेनिफिट इज डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट एंड वेज रेट और अगर मैं इन मार्जिनल नेट बेनिफिट को एडअप कर लू अगेंस्ट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट तो उसको हम क्या कहेंगे दैट इज दमुलेटिव नेट मार्जिनल बेनिफिट क्या जी कम्युलेटिव नेट बेनिफिट अगेंस्ट कॉम्बिनेशन ए क्या है इट इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव जब आप कम्बिनेशन बी पे जाओगे तो वो क्या है कि बाई एडिंग मार्जिनल नेट बेनिफिट अप टू कम्बिनेशन बी जो मेरे पास रिपोर्ट होगा और अल्टीमेटली ये आ जाएगा 9.35 पॉइंट थ्री फाइव हाँ जी अगेंस्ट कम्बिनेशन सी कमुलेटिव नेट मार्जिनल बेनिफिट होंगे मेरे पास 15.3 पॉइंट थ्री प्लस नाइन प्लस माइनस पॉइंट फाइव तो ये मेरे पास आ जाएंगे ट्वेंटी फोर फार्मर किस इनपुट को यूज करेगा फार्मर विल यूज दैट पर्टिकुलर लेवल लेवल ऑफ ऑफ इनपुट हिज कम्युलेटिव कम्युलेटिव नेट नेट मार्जिनल मार्जिनल आर मैक्सिमम मैक्सिमम और ये नेट किस आउटपुट पे हो रहे हैं कि फार्मर और इस पॉइंट पे कम्युलेटिव नेट मार्जिन बेनिफिट्स आर इक्वल टू सेवेंटी एट पॉइंट नाइन इसके बाद क्या होगा कि इफ देयर इज स्टिल इंक्रीज इन लेबर आवर्स देन कम्युलेटिव नेट बेनिफिट नेट मार्जिन बेनिफिट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग अब अगर मैं इसी चीज को मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल इनपुट कॉस्ट को एक ग्राफ की फॉर्म में शो करूं तो ये कुछ इस पैटर्न पे एक डायग्राम होगी हॉरिजेंटल तो एक्सिस पे मेरे पास क्या है लेबर आवर्स यूज वाइल ऑन वर्टिकल एक्सिस वी आर टेकिंग मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट एंड मार्जिन इनपुट कॉस्ट मार्जिन इनपुट कॉस्ट इस केस में वी आर मार्जिन इनपुट कॉस्ट इज अ हॉरिजेंटल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस मार्जिन इनपुट कॉस्ट ऑफ द फार्मर डज नॉट चेंज बिकॉज ऑफ चेंज इन लेबर आवर्स यूज कि जी जो भी एडिशनल लेबर आवर उसने यूज करना है उसके लिए उसको एक कांस्टेंट प्राइस पे करनी है जो कि वेज रेट है और जब आप मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट की बात करते हो तो ये क्या है एट इनिशियली इंक्रीजेस रिच इज एट मैक्सिमम पॉइंट देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग फार्मर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ इनपुट किस बेस पर डिसाइड करेगा कि फार्मर विल यूज दैट पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनपुट वेयर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू एम आई सी और साथ में एक और कंडीशन भी आप कह लें बेशक वेयर मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल इनपुट कॉस्ट और साथ में मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट क्या होगी इट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर अगर मैं स्लोप की बात करूं तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या है मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट इज अ नेगेटिवली स्लोप्ड कर और इससे पहले फार्मर को क्या करेगा कि इफ मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन मार्जिनल इनपुट कॉस्ट ही शुड इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट टू मैक्सिमाइज़ हिज प्रॉफिट और अगर मार्जिनल इनपुट कॉस्ट ग्रेटर हो मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट के लिए मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं तो क्या इंडिकेट करेगा कि देयर शुड बी डिक्रीज इन दूजेज ऑफ इनपुट टू इंक्रीज प्रॉफिट अब अगर हम इस सारे को समराइज कर दें तो वो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्जिनल इफ मार्जिनल वैल्यू प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन वेज रेट तो वो मुझे इंडिकेट करेगा कि देयर इज अ नीड टू यूज मोर इनपुट टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट और जब वहां पे मोर इनपुट यूज होगा टू प्रोड्यूस आउटपुट देन प्रॉफिट्स ऑफ विल मैक्सिमाइज देन प्रॉफिट्स ऑफ द फार्मर विल मैक्सिमाइज अब यहां पे सिचुएशन ये भी तो हो सकती है मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट इज लेस देन वेज रेट ये एक इंडिकेटर इंडिकेटर होगा फॉर फार्मर कि ही शुड डिक्रीज़ यूजेज ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर यहां पे क्या था लेबर आवर्स टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट ही शुड डिक्रीज द यूजेज ऑफ लेबर आवर्स टू प्रोड्यूस आउटपुट और लेकिन अगर वहां पे मार्जिन वैल्यू प्रोडक्ट इज इक्वल टू वेज रेट हो जाए तो मुझे क्या इंडिकेट करेगा कि द लेवल ऑफ इनपुट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय फार्मर एट दिस पर्टिकुलर लेवल वहां पे क्या होगा ही इज मैक्सिमाइजिंग हिज प्रॉफिट आर ही इज प्रोड्यूसिंग एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ आउटपुट बाय यूजिंग द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट